हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। जयराम रमेश ने कहा, उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन सत्र में हंगामा न हो, महंगाई समेत तीन अहम मुद्दों को उठाएंगे। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सत्र में हंगामा न हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पार्टी शीतकालीन सत्र में मुख्य रूप से तीन मुद्दों, भारत चीन सीमा विवाद, देश के संवैधानिक व स्वतंत्र संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप और महंगाई को उठाएगी। बता दें कि शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। नीदरलैंड ने अमेरिका को फीफा विश्व कप 2022 से किया बाहर, क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। जी हां, नीदरलैंड्स ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अमेरिका को 3-1 से हराकर उसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही नीदरलैंड्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बता दें कि मेम्फिस डिपाई, डेली ब्लिंक और डेंजेल डम्फ्रीज ने नीदरलैंड के लिए गोल दागे, जबकि हाजी राइट ने अमेरिका के लिए स्कोर किया। BHU के वैज्ञानिकों का दावा, काशी और तमिलनाडु के लोगों का DNA है समान। जी हां, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जीन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि काशी और तमिलनाडु के लोगों का DNA एक समान है। उन्होंने कहा कि DNA की पहचान से ये पता चलता है कि हमारा रंग रूप भले ही अलग हो, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। इस रिसर्च में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने हिस्सा लिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में राजधानी लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में देश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया को उड़ीसा के भुवनेश्वर में 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि महापौर द्वारा शहर में 20 करोड़ की लागत से 22 स्थानों पर एयर प्यूरिफायर लगवाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को दोहरी जिम्मेदारी, बने रहेंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिलहाल वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने उनके इस्तीफे पर फैसला नहीं किया है। बता दें कि खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते समय अक्टूबर में सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा था। दिल्ली एम्स के बाद अब सफदरजंग अस्पताल पर हुआ साइबर अटैक। जी हां, दिल्ली एम्स के बाद अब सफदरजंग अस्पताल पर भी साइबर अटैक हुआ है। हालांकि साइबर हमले में अस्पताल की सर्विस को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना एम्स को पहुंचा था। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा कि यहां एक साइबर हमला हुआ था, हमारा सर्वर भी डाउन हो गया था, लेकिन डेटा सुरक्षित था। भारत में बेची जाने वाली दवाइयों पर बारकोड होगा अनिवार्य। जी हां, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के भीतर बेची जाने वाली दवाइयों पर बारकोड अनिवार्य करने के लिए अनुसूची H2 को जोड़ा है। सरकार का कहना है कि यह कदम विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्रमाणिकता और पता करने की क्षमता सुनिश्चित करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहल को पूरे देश में केमिस्ट आउटलेट्स पर बढ़ावा दिया जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।